अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और पास में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो अलजेब्रा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आरआरबी में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ एक्स एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन, देन फाइंड एक्स टू द पावर 32 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 32। तो इसको देखिए आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन दिया हुआ है मेरा। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स इक्वल टू वन का स्क्वायर, यानी कि वन आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए एक्स से एक्स मेरा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच गया, प्लस टू, तो अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो माइनस टू हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा मेरा वन माइनस टू, यानी कि मेरा माइनस वन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है, इसका फिर से स्क्वायर करेंगे। तो इसका फिर से अगर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा मेरा एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू द पावर फोर प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया मेरा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, वन माइनस टू, यानी कि फिर से आ जाएगा माइनस वन। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसका फिर से अगर स्क्वायर करेंगे तो मेरा पावर में कितना आएगा, आठ आएगा। आठ का फिर से स्क्वायर करेंगे तो पावर में कितना आ जाएगा, सोलह आएगा। और सोलह का फिर से स्क्वायर करेंगे तो उसका पावर में कितना आ जाएगा, बत्तीस आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जितना भी इसका स्क्वायर हम लोग प्रोसीड करते जाएंगे हमेशा वैल्यू जो आएगा वो माइनस वन ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो मेरा है एक्स टू द पावर 32 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 32, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा मेरा माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू फाइव, देन फाइंड एक्स माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हम लोग को निकालना है वो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेके आते हैं एक्स माइनस वन बाई एक्स, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो एक्स माइनस वन बाई एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कि रूट ओवर एक्स माइनस वन बाई एक्स इसका होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम लोग, रूट ओवर को एज इट इज़ छोड़ देंगे और इसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तोड़ने पे मेरा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, यानी कि मेरा यहाँ एक्स एक्स कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा दोस्तों, देखिए यहाँ से, यहाँ पे मेरा दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग निकालते हैं इसका वैल्यू। ठीक है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू दिया हुआ है फाइव, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स इक्वल टू, ये आ जाएगा 25 मेरा। ठीक है, तो एक्स एक्स कट गया। ठीक है, तो यानी कि इसका वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग कितना आ जाएगा मेरा, 25 माइनस टू, यानी कि आ जाएगा 23। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 23। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करने के बाद आ जाएगा मेरा 23 माइनस टू, यानी कि रूट ओवर आ गया मेरा 21। तो यानी कि अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर फाइव दिया हुआ है तो एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू मेरा कितना होगा, रूट ओवर 21। इसका एक हम लोग शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। इसका एक शॉर्टकट होगा मेरा कि अगर मान लीजिए कि वन प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर मान लीजिए के दिया हुआ है, ठीक है, और आपको अगर पूछा गया कि एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रूट ओवर
के स्क्वायर ठीक है माइनस फोर कर देंगे, ठीक है। तो इसमें मेरा डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कैसे हम लोग डायरेक्टली हम लोग आंसर ले आते हैं। देखिए के का वैल्यू यहाँ पे मेरा कितना दिया हुआ था, फाइव, तो फाइव का स्क्वायर यानी कि मेरा 25, तो 25 माइनस फोर यानी कि आ गया मेरा रूट ओवर 20, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ एक्स टू द पावर 9 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 9 इक्वल टू 5 देन फाइंड एक्स टू द पावर 9 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 9, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स टू द पावर 9 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 9 इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक्स टू द पावर 9 को हम लोग क्या करते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट एक्स टू द पावर 9 इक्वल टू ए, ठीक है। मेरा ये चेंज कैसे हो जाएगा, ए प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकालना है, ए माइनस 1 बाई ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स टू द पावर 9 की जगह पे ए पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे कि मैंने बताया था कि अगर एक्स प्लस 1 बाई एक्स वहाँ पे दिया हुआ था के, तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स का मान कितना हो रहा था, रूट ओवर के स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग वही चीज़ करेंगे, तो यहाँ एक्स के जगह पर सिर्फ ए दिया हुआ है, ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग के स्क्वायर माइनस 4 करेंगे, के का वैल्यू कितना है 5, तो 5 5 का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि 25 माइनस 4 यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा रूट ओवर 21, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग वैल्यू रख दीजिए, एक्स टू द पावर 9 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 9 इक्वल टू आ जाएगा मेरा रूट ओवर 21, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि इफ एक्स इक्वल टू ए प्लस 1 बाई ए एंड वाई इक्वल टू ए माइनस 1 बाई ए देन फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो दिया हुआ है एक्स इक्वल टू मेरा ए प्लस 1 बाई ए और वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए माइनस 1 बाई ए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ए इक्वल टू मेरा 1 है, ठीक है, लेट ए इक्वल टू 1 मान लेते हैं। तो मेरा एक्स कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 1 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। और वाई कितना हो जाएगा मेरा, 1 माइनस 1 बाई 1 यानी कि मेरा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्या दिया हुआ है दोस्तों, वैल्यू क्या निकालना है हम लोग को, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ एक्स के जगह पर मेरा कितना है वैल्यू, 2 है, तो 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस वाई का मेरा कितना वैल्यू दिया हुआ है, 0, ठीक है, माइनस 3 इंटू 2 इंटू 0, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा मेरा 8, 2 का क्यूब, ये 8 आ गया, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, ठीक है। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।